नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आई क्यू जुडिशरी आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे आज का हमारा टॉपिक है हाउस ब्रेकिंग तो बेसिकली ये हाउस ब्रेकिंग होता क्या है काफी सेक्शन नंबर है तो इसके सारे के सारे के के को एक-एक करके देखेंगे। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से आप ब्रेकिंग तो ऐसा भी हो सकता है बिना कुछ तोड़े भी क्या हाउस ब्रेकिंग हो सकती है तो उसी के बारे में जानेंगे आज के इस, में। students, इस को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टडी आई की जुडिशी आपके लिए लेकर आया है लाइफ फाउंडेशन बैच एट जिसमें आप अपने पीटी मेन्स और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आप इंडिया की किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपेरेशन कर रहे हो ये कोर्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा

सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग क्या है? सो so, पहले तो ये कि सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात करता है यूजुअली स्टूडेंट्स इसके जो सिक्स हैं उन्हीं पर पहले फोकस कर लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं इसका फर्स्ट पैरा जो कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी देता है तो पहले तो ये कि जब हम हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑल यू नीड टू रिमेंबर मतलब जब सेक्शन 445 आप पढ़ते हो तो इसमें छह वेज हैं मतलब छह तरीके हैं अगर आपका केस इनमें से किसी भी एक या एक से ज्यादा में फॉल करता है तो ही हाउस ब्रेकिंग होगी अब ये सिक्स वेज हैं क्या वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड पहले इसको कंप्लीट करते हैं ए पर्सन इज सेट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग

क्विट करने पर भी हाउस ब्रेकिंग हो सकती है तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको दो चीजें सेक्शन 445 के फर्स्ट पैरा से पता लगती हैं वो ये पहला ये कि हाउस ब्रेकिंग के छह तरीके हो सकते हैं और दूसरा ये हाउस ब्रेकिंग एंट्रेंस पर भी हो सकती है और क्विट पर भी हो सकते हैं, जब आप घर से निकलते हैं अब वो छह तरीके कौन से हैं अंदर आने के या एग्जिट होने के जिनसे हाउस ब्रेकिंग होती है अब आते हैं जी इस कॉन्सेप्ट पे इन सिक्स पॉइंट्स को इजी तरीके से याद करने के लिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको कि मैंने फोकस किया है अगर आप इन सिक्स कीवर्ड्स को भी अगर याद रख लेते हैं तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को रिमेंबर भी कर पाएंगे और अगर मेंस एग्जामिनेशन में या पीटी और इंटरव्यू में आपसे इसके रिलेशन में कोई सवाल पूछा जाता है तो भी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे तो पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ पैसेज नॉट इंटेंडेड पैसेज ओपन एनी लॉक क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट और फास्ट तो ये आपके की वर्ड है जिनको आप बार बार रिवाइज करके याद करके इस सेक्शन को याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए सबसे पहला फर्स्ट इफ ही एंटर्स और क्विट्स आप देखेंगे सभी में, सभी में में जो आपके सिक्स के सिक्स पॉइंट्स हैं उन सब में कॉमन है कि उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है एंटर और क्विट और ये मैंने आपको फर्स्ट पैरा में ही बता दिया था कि एंट्री और एग्जिट दोनों पर ही आपकी हाउस ब्रेकिंग लग सकती है थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फर एनी अटर अबेटर आप ऑलरेडी आई थिंक सेक्शन वन जीरो होंगे ऑफ दाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ दाउस ट्रेस पास इन शॉर्ट की अगर आप अपने आप कोई ना कोई पैसेज बनाते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा रास्ता बनाकर घर में एंट्री करना ठीक है खुद ही खुद तो वो भी आपका हाउस ब्रेकिंग होगा देखिए जरूरी यहां पर यह नहीं है कि जब तक आप कुछ तोड़ोगे नहीं तभी हाउस ब्रेकिंग होगा हाउस ब्रेकिंग कुछ तोड़ने पर भी हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इन सभी के पॉइंट्स को माइंड में रखते हो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं जैसे विंडो तोड़ के आने से एंडस ऑन या वॉल में होल करके आने से तब भी अगर आप एंट्री लेते हो तब भी हाउस ब्रेकिंग होगा और अगर आपका केस फर्स्ट में फॉल कर जाता है जो कि पैसेज आपने खुद बनाया है या किसी अबिटर ने बनाया और आपका पर्पज जो है वो हाउस ट्रेस करना ही है तो उसे भी हम हाउस ब्रेकिंग कहेंगे आते हैं जी सेकंड पॉइंट पे इफ ही एंटर्स और और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड अब ये फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस क्या है यहां से तो आते ही हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी भी घर में एंट्री कर रहे हो तो यूजुअल आंसर क्या होगा सर डोर से ही एंट्री होती है लेकिन यहां पे सेकंड में किसकी बात हो रही है पैसेज नॉट इंटेंडेड विच मींस की वहां से तो आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल आप छत से चढ़कर आ रहे हैं ठीक है अब किसी घर में एंट्री लेने के लिए आप बाय रूफ जो है उस पर रस्सी बांध के वहां से अगर एंट्री कर रहे हैं तो वो भी हाउस ब्रेकिंग में फॉल करेगी नेक्स्ट वन थर्डली इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज विच ही ट्रेसपास हैज ओपनड तो यहां पे जो थर्डली का आपका एग्जाम्पल बनता है वो एग्जाम्पल बनता है कि अगर मान लीजिए अंदर से कुंडी लगी हुई है ठीक है और अंदर से जब कुंडी लगी हुई है तो आपने या तो अबेटर नहीं आकर वो ओपन कर दिया आपके लिए ताकि आपकी एंट्री हो सके या फिर आपने कोई वायर यूज करके या कुछ तिगड़बाजी लगा कर आपने बाहर से ही उस कुंडी को जो है जैसे आपने देखा होगा कुछ गेट्स होते हैं जिनको आप हाथ अंदर डाल के जो है खोल सकते हो तो अगर वैसा आपने कुछ किया है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग में फॉल करेगा नेक्स्ट वन फोर्थली इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक जो फोर्थली पॉइंट है वो स्पेसिफिकली है लॉक को लेकर कि अगर किसी भी तरीके का लॉक है ठीक है जैसे आपने कोई पिन यूज करके एंड सो ऑन आपने लॉक ओपन कर दिया है या आजकल अगर मैं बात करूं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होते हैं आपने हैक करके उस लॉक को ओपन कर दिया है, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे फॉलो करेंगे अब आपने उसमें तोड़ा नहीं है कुछ भी ठीक है आपने लॉक को तोड़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो इसमें हाउस ब्रेकिंग में फॉल कर जाएगा

to have been fastened, which means कि अगर हमने अपना घर बाहर से भी बंद किया हुआ था सिर्फ कुंडी लगाई हुई थी लॉक वगैरह कुछ है ही नहीं तो सिक्स में आपका एग्जाम्पल बनता है कि अगर अगर आपने बाहर से भी अगर कुंडी लगाई हुई थी सिर्फ और कोई कुंडी खोल के अंदर चले जाता है तो वो भी आपका हाउस ब्रेकिंग में फॉल करेगा तो ये थे आपके सिक्स सरकमस्टांसिस जो कि फॉल करते हैं हाउस ब्रेकिंग में एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद द हाउस एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज ही कोई बिल्डिंग जैसे आप मान सकते हैं फार्म हाउस में ही कोई रूम है या इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल आता है आपने कोई ट्री हाउस बनाया हुआ है घर में ही ठीक है तो वो ट्री हाउस भी आपके हाउस का ही पार्ट माना जाएगा तो उसपे भी जो है हाउस ब्रेकिंग लग सकती है

पढिएगा क्योंकि बहुत बार देखा गया है वहां से भी आपके पीटी एग्जामिनेशन या मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नाउ एनीथिंग विच यू आर नॉट क्लियर विद कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं वेरी गुड आफ्टरनून अंकित दुबे एंड एवरीवन दोस ऑफ जस्ट जॉइंड यस प्लीज एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट स्टडी आई की जुडिशियर आपके लिए लेकर आया लाइफ फाउंडेशन बैच एट जिसमें आप अपने पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम ऑफ अक्टूबर से यू कैन यूज दिस कोड एसके लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल एंड ऑन माई लिंक अकाउंट एंड हेयर आर द रिस्पेक्टिव लिंक्स एनीथिंग विच यू आर नॉट क्लियर विथ एग्जाम की सारी की सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स वीडियो नोट्स एवरीथिंग आई यूजली शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल चलिए ऑन दैट नोट दैट्स इट फ्रॉम माई एंड एज ऑफ नाउ सी इन माई नेक्स्ट इट्स